Hello friends, my name is Vivek Rathore. I'm author of Making Life Meaningful, neuropsychology expert and mindset coach. Aaj hum baat karenge about the divorce of Aamir Khan. Kyun baat karenge? Kyunki hum log ki society ka ye ek incident hai, ye ek important incident hai jiska bahut logon pe impact padta hai. Hum log ki jo society hai, jo present society hai, usme kahin na kahin hamare jo celebrities hain, hamare jo actors hain, वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं, किससे शादी करते हैं कि नहीं करते हैं, कब करते हैं, इसका हम लोग के हमारे बच्चों पे, हमारी सोसाइटी पे डायरेक्ट और बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. सो इसलिए हमें समझने की जरूरत है इस इंसिडेंट को फ्रॉम अ राइट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैरिज, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी. सो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या ये सही डिसीजन था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी और उनके पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी. किसकी गलती थी? हूज मिस्टेक? व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे के क्या कारण थे, क्या साइकोलॉजिकल रीजन थे जिसकी वजह से ये डिवोर्स हुआ होगा या हुआ? एंड व्हाट इज द रेसिपी ऑफ सक्सेसफुल मैरिज? इस इंसिडेंट से हमें क्या सीख लेना चाहिए और क्या गलतियां जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए? जो भी मैं आपको शेयर करूंगा, मेरा अराउंड 10 ईयर का एक्सपीरियंस है जिसमें मोर देन 1000 मैरिड कपल्स को मैं हेल्प कर चुका हूं एक सक्सेसफुल मैरिज को लीड करने में. सो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको जो भी शेयर करने वाला हूं, ना कि सिर्फ जब कुछ हो रहा है तो बस कुछ बोल दो, कुछ कह दो, नॉट लाइक दैट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, वॉज इट अ गुड डिसीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी? द आंसर इज नो, नो एंड नो. क्योंकि हम लोग की सोसाइटी में मैरिज की एक रिस्पेक्ट है, मैरिज की एक जगह है और मैरिज का जो प्राइम फोकस है वो ये है कि दोनों जो पर्सन है, जो दोनों पार्टनर है, वो एक हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ को लीड करें. तो अगर हम मैरिज में जा रहे हैं तो हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि उस मैरिज को हम लोग टिल द लास्ट ब्रेथ उसको हम लोग सक्सेसफुली कंटिन्यू करें. और अगर मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें. हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, उसका हम सॉल्यूशन ढूंढने, ना कि मैरिज को एंड करें. क्यों ना एंड करें, उसका रीजन हम लोग आगे अभी समझेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी गलती है, क्यों सेपरेशन हुआ, क्यों डिवोर्स हुआ आफ्टर 15 इयर्स ऑफ द मैरिज? हालांकि इसको बहुत बैलेंस वे में कम्युनिकेट किया गया, प्रेजेंट किया गया, दैट इज अचीवमेंट ऑफ आमिर खान कि डिवोर्स को उन्होंने कितना बैलेंस वे में प्रेजेंट किया. इतना ईजी नहीं होता है प्रैक्टिकली. So, किसकी गलती है, डिवोर्स क्यों हुआ, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस डिवोर्स? द मेन रीजन बिहाइंड दिस डिवोर्स वॉज द रिलीजियस डिफरेंस. क्योंकि देखिए, हम लोग लाइफ में जो भी सोचते हैं, जो भी हमारे बिलीफ होते हैं, जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, उसमें हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट ब्रेन्स का रोल होता है, हमारे एक्सपीरियंस का रोल होता है. हमारे डिफरेंट ब्रेन में हमारा एक ब्रेन होता है जिसको हम बोल सकते हैं कि हमारा रिलीजियस ब्रेन है जो हम लोग की लाइफ को इम्पैक्ट करता है. सो फॉर आमिर खान डिवोर्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. इन मुस्लिम कम्युनिटी डिवोर्स उतना उसको उस तरीके से, उस सेंटिटी से नहीं देखा जाता है जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी में देखा जाता है. उसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए. इन हिंदी तलाक का हिंदी कोई शब्द नहीं है. तलाक इज अ उर्दू वर्ड, डिवोर्स इज अ इंग्लिश वर्ड. तलाक का, डिवोर्स का देयर इज नो हिंदी वर्ड. मतलब हिंदुइज्म में हम लोग मैरिज को जानते हैं बट डिवोर्स को हम लोग नहीं जानते हैं. हम लोग की सोसाइटी का पार्ट नहीं रहा है. एंड इसको मैं जिस पर्सपेक्टिव से कन्वे कर रहा हूँ, एक राइट पर्सपेक्टिव से कन्वे कर रहा हूँ. कई बार हम लोग को लगता है नहीं, हम लोग तो मॉडर्न थिंकर हैं, हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, अब हम लोग ट्रेडिशनल थिंकिंग की हमें जरूरत नहीं है. ऐसे लोग लाइफ में किस किस पेन से गुजरते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या हेल होते हैं उनको पता होता है, और वो जिसको कंसल्ट करते हैं, जो उनके पर्सनल कोच होते हैं, जो उनके काउंसलर होते हैं, उनको पता होता है. मैं अभी तक मोर देन 3000 लोगों को पर्सनली कोच कर चुका हूं, तो लोगों के जो लाइफ के जो पेन्स हैं वो मुझे पता है. सो फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई एम टॉकिंग अबाउट. फ्रॉम आमिर खान पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिवोर्स बहुत मुश्किल आमिर खान के लिए नहीं था, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ किरण राव, ये ऑब्वियसली उनके लिए एक हैप्पी न्यूज बिल्कुल नहीं है. क्योंकि एक वुमेन के लिए, स्पेशली एक हिंदू वुमेन के लिए, उसकी जो मैरिज होती है उसकी आइडेंटिटी का पार्ट होता है. उसका, उसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, आई एम दिस एंड आई एम वाइफ ऑफ दिस.
और ये जो हम लोग की जो सोसाइटी जिधर जा रही है, ये जो डिवोर्स हुआ या ये जो डायरेक्शन चीजें जिधर जिधर जा रही है, वो कहाँ से आती है? क्योंकि अब जो वुमेन है और हम लोग की सोसाइटी में बहुत से एविल्स हैं जो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से आते हैं, हालांकि उनके जो सक्सेस है, उनकी जो मेहनत है, उनकी जो अचीवमेंट्स है, दैट इज अप्रिशिएबल. आई अप्रिशिएट देम. बट कई बार वो लोग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत सी ट्रेडिशनल चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बदल रहे हैं. अब होता क्या है, वो फ्री है अपनी लाइफ में, लेकिन उनके डिसीजन का, उनके एक्शन का सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है. जिसका एक एग्जाम्पल है, जो वुमेन है पहले शादी के बाद वो अपना सरनेम चेंज करती थी, और ये एक बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस था. मैरिज को सक्सेसफुली रन करने के लिए अपने सरनेम को चेंज करना, ये बहुत की रोल प्ले करता था. अब बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेस ने एक्सपेरिमेंट किया, करीना कपूर खान, तो अब ये ट्रेडिशन चल चला है कि हम अपने पुरानी उसको भी आइडेंटिटी को भी कैरी करना चाहते हैं, नई आइडेंटिटी को भी कैरी करना चाहते हैं. इससे क्या होगा, हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस में जाएंगे, इससे हम लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में जाएंगे. लेकिन हम लोग मॉडर्न बनना चाहते हैं, हम लोग को लग रहा है कि बस नाम में चेंज कर लो तो मॉडर्न बन गए. हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हमारे जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, जो पीस है, जो हैप्पीनेस है, दैट इज इम्पॉर्टेंट. थोड़ा सा सक्सेस आ गया, थोड़ा सा पैसे कमा लिए, तो हमें लगने लगता है कि नहीं, ट्रेडिशन कुछ नहीं है, एंसेस्टर्स की जो भी है वो कुछ नहीं है, हम सब कुछ है. जस्ट आई हैव वन वर्ड फॉर दीज थिंग्स, ये सब स्टूपिडिटी है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पेन आपको क्रिएट करेगी. जैसे एक इंसिडेंट में शेयर कर रहा हूँ, किसी की लाइफ का एक डिसीजन जो शायद सही नहीं था, अब उनको वो जिंदगी भर पेन देने वाला है. सो हूज मिस्टेक, क्यों हुआ ये रिलीजियस डिफरेंस की वजह से हुआ. फॉर आमिर खान ये डिवोर्स लेना उनके लिए कोई बहुत मुश्किल डिसीजन नहीं था, लेकिन फॉर किरण राव, शी इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद दिस. बट वो कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि मैरिज एक रिलेशनशिप पुश करके नहीं चलाया जा सकता है. सो रियल रीजन बिहाइंड इट मैंने शेयर कर दिया है. द रियल रीजन बिहाइंड दिस इज द रिलीजियस डिफरेंस. हालांकि मैं किसी भी रिलीजन को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, किसी भी रिलीजन को सही और गलत नहीं कह रहा हूँ. दैट इज नॉट माई वर्क. वो ये काम हम लोग की सोसाइटी में कुछ लोग हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत अच्छे से कर रही है और जिसका सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है. नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज द रेसिपी ऑफ सक्सेसफुल मैरिज. सक्सेसफुल मैरिज की रेसिपी क्या है? सी द रेसिपी ऑफ सक्सेसफुल मैरिज इज लीस्ट डिफरेंस. जिस भी मैरिज में दोनों पार्टनर के बीच जितना कम डिफरेंस होगा, रिलीजियस डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस, जियोग्राफिकल डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस, फाइनेंशियल डिफरेंस, डिफरेंसेस जितने कम होंगे, उस मैरिज के सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा होती है. क्योंकि उतना हमें अपने आप को कम अडॉप्ट करना होता है, कम चेंज करना होता है. और जितने डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं, उस मैरिज के फेल होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं. सो दिस इज द साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड दिस. सो हमें इस डिवोर्स से क्या सीख लेना चाहिए? हमें इस डिवोर्स से हमें ये सीख लेना चाहिए कि मैरिज का डिसीजन बड़ा होता है. आउट ऑफ इमोशन मत लीजिए. इमोशनल ब्रेन के साथ अपना लॉजिकल ब्रेन भी यूज कीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग इमोशनली हुक्ड होते हैं तो हम लोग का लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करता है और हम लोग गलत डिसीजन लेके हम लोग लाइफ टाइम रिग्रेट करते हैं. हम लोग पास बहुत सी केसेस होते हैं जो ऐसे ही इमोशनल होके गलत डिसीजन लेते हैं, फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं. सो क्या गलतियां हमें अवॉइड करनी है मैरिज के लिए? हमें ये कोशिश करना है कि लीस्ट डिफरेंस इज द सीक्रेट टू मोस्ट सक्सेसफुल मैरिज. तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट में शेयर कीजिए. आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए. कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करूंगा. आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू.